केवल 2019 में, और अगर सरकार ने कोई बहुत बड़ी बाजीगरी दिखा दी तो 34 में हो जाएगा, और 34 में भी भगवान का बड़ा कर्म तुम पे हुआ तो 39 में हो जाएगा। इतने दूर हो तुम महाविनाश से। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा, 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है, और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। राजधानी दिल्ली में आयोजित हिंदू महापंचायत के दौरान एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है यति नरसिंहानंद ने कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस ने यति नरसिंहानंद के साथ साथ सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के खिलाफ भी एक मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल आए दिन अपने बयानों को लेकर विवादों में बने रहने वाले यति नरसिंहानंद के साथ साथ दिल्ली पुलिस ने सुरेश चौहान के खिलाफ भी एक मामला दर्ज किया है। इन पर आरोप लगा है भड़काऊ भाषण देने का। दरअसल एक हिंदू महापंचायत के दौरान राजधानी दिल्ली में यति नरसिंहानंद ने कहा कि साल 2029 में या साल 2034 में या फिर साल 2039 में मुस्लिम प्रधानमंत्री बन जाएगा। एक बार मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो अगले 20 से 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा, 40% को मार दिया जाएगा और बाकी बचे 10% या तो शरणार्थी शिविरों में होंगे या फिर विदेशों में होंगे। यति नरसिंहानंद के इस विवादित बयान के बाद लगातार आलोचना होने लगी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगे। हाँ, एक तरफ मुस्लिम समुदाय इसकी निंदा करता नजर आया, वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय भी ये कहते नजर आए कि हिंदू समुदाय को बदनाम करने की कोशिश नरसिंहानंद सरस्वती कर रहे हैं। आपको बता दें, पूरे मामले ने तूल तब पकड़ा जब मीडिया कवरेज के दौरान दो लोगों को पीटा गया, और इसी के चलते इस पूरी हिंदू महापंचायत में इस बयान को देने के बाद यति नरसिंहानंद ने यह कहा कि अगर देश के हिंदुओं को बचना है तो उन्हें हथियार उठाने होंगे। सोशल मीडिया पर हिंदू महापंचायत के वायरल वीडियो में नरसिंहानंद कहता हुआ सुनाई देता है कि ये हिंदुओं का भविष्य होगा, अगर आप इसे भविष्य से बचना चाहते हैं तो मर्द बनो, हथियार उठाओ। पूरे मामले में जनता का आक्रोश देखने के बाद यति नरसिंहानंद के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है और जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक पहुँचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।